जलेबी और इमरती में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं? बताइए बताइए भाई। एक तो ये कि जलेबी और इमरती दोनों पे बने हुए मुहावरे, वो सुना है ना आपने, जलेबी की तरह सीधा होना या इमरती की तरह सीधा होना। लेकिन जोक्स अपार्ट, जलेबी और इमरती दोनों लच्छेदार होती हैं और फ्राइड होती हैं और सिरप में सोक्ड होती हैं। लेकिन ये तो हुई सिमिलैरिटी, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जहां जलेबियां बनती हैं मैदे के साथ, वहीं इमरती बनती है उड़द की दाल के साथ। अच्छा, पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इमरती का बेस्ट पार्टनर यानी कि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन इमरती का किसके साथ होता है, बताइए। मैं जानती हूं आप क्या लिखने वाले हैं, इमरती का बेस्ट पार्टनर होता है रबड़ी। तो जलेबी की रेसिपी तो आपके साथ पहले से ही शेयर कर चुकी हूं और उसका लिंक यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आज बनेगी इमरती, तो ठीक है आज हो जाए फिर इमरती और रबड़ी। लेकिन नो शॉर्टकट्स, आज बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से वो हलवाई स्टाइल वाली इमरती और रबड़ी बनेगी, ताकि हम एंजॉय कर सके उसका टेस्ट एग्जैक्टली द वे इट इज सपोज टू बी। तो आज शुरुआत करेंगे रबड़ी के साथ। अब यही आती है आपकी टिप नंबर 1 कि रबड़ी बनाने के लिए हमें कढ़ाई कौन सी लेनी है। तो नोट कर लीजिए कि रबड़ी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक लोहे की कढ़ाई का। कभी भी हिंडोलियम की कढ़ाई या अल्यूमिनियम की कढ़ाई या पीतल की कढ़ाई का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो जानते हैं क्या होगा, आपकी रबड़ी जो है ना वो ग्रे कलर की हो जाएगी। हाँ, अगर आपके पास एक बड़ी सी स्टील की कढ़ाई हो तो स्टील की कढ़ाई में भी आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये तो हुई कढ़ाई की बात, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज इस कढ़ाई को पहले थोड़ा सा देसी घी लगा करके मैं ग्रीस कर लूंगी पूरी कढ़ाई पर। इसके करने का क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि आपका दूध जो है वो नीचे चिपकेगा नहीं, नीचे लगेगा नहीं। और अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूध कौन सा इस्तेमाल किया जाए। दूध हमें चाहिए होगा फुल फैट मिल्क, यानी ऐसा दूध जिसमें फैट की कंटेंट अच्छी होनी चाहिए। क्यों? ताकि अच्छी मलाई की लेयर आए ना, इसीलिए। फैट कम होगा तो मलाई कहाँ आएगी आप बताइए। और पहले तो इस दूध को हम एक बॉयल पे ले आएंगे। अब जब तक ये दूध बॉयलिंग पे आता है ना, तब तक इमरती बनाने की भी तैयारी कर ली जाए। और इमरती बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी उड़द की दाल। अच्छा, उड़द की दाल को ना हमें पहले से ही भिगो करके रख लेना होगा, लेकिन इसे ओवरनाइट मत सोक कीजिएगा। ओवरनाइट सोक करने से जानते क्या होगा, इसमें फर्मेंटेशन होने का डर रहता है। तो इसीलिए दाल को कम से कम 3 से 4 घंटे तक बस आप सोक कर लीजिए, इतना काफी है। तो दाल को पहले मिक्सी में निकाल लेते हैं और इसे हम पीसेंगे एक फाइन पेस्ट की तरह से। आपको ध्यान इस बात का देना है कि इसमें दाल के कोई भी दाने ना रह जाएं, यानी कि दाल अच्छे से पिस जाए। अब लेट मी शो यू द टेक्सचर ऑफ द दाल। ये देखिए, आपकी दाल ऐसी स्मूथ होनी चाहिए, इसमें कहीं भी कोई भी दाल का दाना नहीं रह जाना चाहिए। तो जितनी देर में मैंने दाल पीसी है ना, यहां देखिए दूध के ऊपर एक मलाई की लेयर भी आनी शुरू हो चुकी है। देखिए, अब आपको चाहिए लकड़ी का कोई स्क्यूअर, आप चाहें तो कोई सिलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करेंगे हम ये कि इसे मलाई के नीचे पुश करेंगे और मलाई को साइड पर, ये जो कढ़ाई की साइड वॉल्स है ना, इन पर हम पुश करके निकाल लेंगे। देखिए ऐसे। अब फिर से इसको धीमी आंच पे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक इसके ऊपर फिर से एक मलाई की लेयर नहीं आ जाती। और फिर जब एक मलाई की लेयर आ जाएगी, फिर उसे मैं साइड में पुश कर दूंगी। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा दूध जो है 1/4 तक रिड्यूस नहीं हो जाता और साथ ही साथ हमारे पास मलाई की एक मोटी सी लेयर ऑन द साइड रेडी नहीं हो जाती। तो तब तक क्या किया जाए, तब तक अपनी इमरती के लिए यहाँ पर चाशनी पकाने के लिए चढ़ाते हैं। अच्छा, चाशनी बनाने के लिए पानी और चीनी का क्या रेशियो होना चाहिए? जितना हम पानी लेंगे ना, उतनी ही हम चीनी भी लेंगे। यानी कि अगर मैं 2 कप चीनी ले रही हूँ तो 2 ही कप मुझे पानी भी चाहिए और इसकी हम 1 तार की चाशनी बना लेंगे। तो ये हुई भाई आपकी टिप नंबर 3। कहने को तो बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन बहुत ज़रूरी है टू नो द राइट रेशियोज
इन विच यू नीड टू ऐड योर इंग्रेडिएंट्स। तो जब तक मेरी चाशनी पकती है और मैं यहाँ पर इमरती की तैयारियाँ करती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो आपके साथ ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज मैं शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज की रेसिपीज आपको कैसी लगी। तो इमरती बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर घी। आप चाहें तो ऑफकोर्स इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन भाई जो घी का स्वाद है वो तो घी का ही रहेगा। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि ज़्यादातर हलवाई इसे वनस्पति घी में बनाते हैं, बिकॉज वनस्पति घी में बने हुए प्रोडक्ट्स ज़्यादा क्रिस्प होते हैं, इसीलिए साथ ही साथ घी से ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होता है ना, इसलिए। लेकिन अगर आप चाहें तो वनस्पति आधा और आधा देसी घी मिलाकर भी कर सकते हैं, ऐसे घी का फ्लेवर भी आ जाएगा और वनस्पति की क्रिस्पनेस भी आ जाएगी। तो जब तक यहाँ मेरा घी गर्म होता है, चाशनी पकती है और रबड़ी भी पकती है, तब तक दाल को एक बड़ी सी परात में हम निकाल लेंगे ताकि उसे फेंटना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। अब इसके लिए इस दाल को मुझे बहुत अच्छे से फेंट लेना है। अपने हाथों से इस दाल को हम अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहें तो ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रिक विस्क से भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, क्या कोई तरीका है जिससे हम चेक कर सकें कि हमारी दाल प्रॉपरली फिट गई कि नहीं फिट गई? बिल्कुल है भाई, और यही है आपकी आज की टिप नंबर 4। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एक कटोरी में पानी। इस पानी में बस एक छोटा सा ड्रॉप अपने बैटर का आप डाल करके देखिए। अगर तो वो फ्लोट करता है तो बैटर रेडी है, अगर वो सिंक कर जाता है इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस दाल को दोबारा फेंटना है। तो ये देखिए, ये फ्लोट कर रहा है, यानी कि हमारा बैटर परफेक्टली प्रिपेयर हो चुका है। अब क्या करेंगे? इमरती का कलर होता है यूजुअली ऑरेंज या फिर येलो, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा केसर का पानी या फिर जैसे हलवाई ऐड करते हैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर, यू कैन ऐड अ बिट ऑफ ऑरेंज कलर टू दिस। अब फिर से एक बार आप इसे फेंट लीजिए ताकि सारा कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा बैटर भी रेडी हो गया। अब क्या करेंगे? अब हलवाई तो इसे एक कपड़े के बीच में भर करके उससे बनाता है इमरतियाँ। अब नेचुरली आपको तो वैसी आदत है नहीं, तो आप वैसे कैसे कर पाएंगे? उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप किसी पाइपिंग बैग की सहायता से या फिर किसी दूध की थैली से भी ये काम बहुत सरलता से कर सकते हैं, और मैं इसे करके दिखाऊंगी आपको एक पाइपिंग बैग की हेल्प से। बट बिफोर आई डू दैट, हमारी जो रबड़ी पक रही है उसके ऊपर मलाई की सेकेंड लेयर आ चुकी है, उसे भी रिमूव करके हम साइड में पुश कर देते हैं। पहले इसे साइड से रिलीज कर दीजिए और फिर ये देखिए, धीरे से इसे ऐसे साइड में पुश कीजिए और ब्रिंग इट टू दी साइड लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग ले लिया है और इसी के साथ साथ ले लिया है एक ग्लास। अब इस ग्लास में इस पाइपिंग बैग को मैं रख के इसको इन्वर्ट कर दूंगी। ऐसा करने से जानते क्या होगा? ऐसा करने से हमारा पाइपिंग बैग फिल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अब अपना बैटर पाइपिंग बैग में फिल कर लेते हैं। ये देखिए, मेरा काम कितना आसान हो गया। तो जैसे मैंने कहा, इफ यू डू नॉट हैव अ पाइपिंग बैग, आप किसी दूध की थैली से भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं सीधे घी में इमरती बनाना शुरू करूं, चलिए आपको दिखाती हूं कैसे आपको इमरती शेप करनी है। और सीधे घी में इसे बनाने से पहले दो तीन इमरती बना के आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो पहले तो हम दो सर्कल्स बना लेंगे। देखिए, पहला हाथ आपका थोड़ा टेढ़ा चल सकता है। अब इसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स बना के वन मोर। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले आप 3-4 इमरती किसी प्लेट में प्रैक्टिस कर लीजिए और तब सीधे उसे हम घी में बनाएंगे। लेकिन घी इस वक्त आपका मीडियम हॉट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। मेरी चाशनी भी यहाँ रेडी हो चुकी है। लेट मी शो यू ये एक तार की चाशनी कैसे पकी। अब ये देखिए, आई विल जस्ट टेक अ लिटिल शुगर सिरप इन माई स्पून और जब मैं इसे ड्रॉप करूँगी ना, ये देखिए, इसमें इस तरह से एक तार से ये गिरना शुरू होगी। अब वैसे ही इसे अपने फिंगर के बीच में आप उठा के देखिए एंड ऐसे
ऐसे चेक कीजिए, ये देखिए इसमें एक तार पड़नी शुरू हो चुकी है, यानी कि अब हमारी चाशनी भी रेडी हो चुकी है। अब आप चाहें तो इस चाशनी में थोड़ा सा केसर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो वंस अगेन फॉर दैट सेम लुक जो हलवाई के जैसी होती है ना, उसके लिए इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। तो चाशनी डन, चाशनी को बंद करके एक तरफ साइड में उतार के रख देते हैं और यहाँ पर फिर से एक बार अपनी रबड़ी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए उस पर फिर से एक मोटी सी लेयर मलाई की आ गई है, जिसे फिर से एक बार मैं साइड में हटा दूंगी। प्लेट में तो प्रैक्टिस हो गई, चलिए अब क्या किया जाए, सीधे घी में अपनी इमरती बनाई जाए। जैसे ही आपकी इमरती एक तरफ से क्रिस्प होने लग जाए, इसकी बबलिंग थोड़ी सी कम होने लग जाए, आप इसे उठाइए और फ्लिप कर दीजिए, ताकि दूसरी तरफ से भी ये बढ़िया सी गोल्डन हो जाए। अब भाई कैसे पता चलेगा कि जो हमारी इमरती है वो अंदर तक क्रिस्प हुई है कि नहीं हुई? बहुत सिंपल सा तरीका है और नोट कर लीजिए, ये है आपकी नेक्स्ट टिप, यानी कि टिप नंबर 5। अगर इमरती के आसपास जो बबलिंग हो रही है, यानी ये जो बुलबुले उठ रहे हैं ना, वो सबसाइड हो गए हैं, एकदम ख़त्म हो गए हैं, इसका मतलब इमरती अंदर तक क्रिस्प हो चुकी है एंड नाउ यू कैन रिमूव इट फ्रॉम दी घी। और यहाँ पर भी देखिए ना, कैसे दूध पकते पकते करते करते कितना कम हो चुका है, 1/3 रह चुका है ये, और साइड में मेरे पास कितनी मोटी एक मलाई की परत इकट्ठी हो चुकी है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू क्लीन दिस अप, ऐसे मलाई उठाइए और इसे साइड में चिपकाते जाइए। लुक एट दिस, सिरप को भी मैंने एक बोल में यहाँ पर पलट करके रख लिया है और ये देखिए बबलिंग यहाँ पूरी तरह से सबसाइड हो चुकी है, यानी कि मेरी इमरती भी पक चुकी है। नाउ इमरती निकालिए और इसे मीडियम हॉट सिरप में हम सबमर्ज करेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी सिरप इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म या खौलती हुई बॉइलिंग हॉट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो इमरती है वो क्रिस्प होने की जगह सॉफ्ट पड़ जाएगी। और नोट कर लिया आपने, यही है आपकी आज की नेक्स्ट टिप, यानी कि टिप नंबर 6। अब इन्हें सबमर्ज कर दीजिए सिरप में। जानते हैं द गुड पार्ट इज, आप चाहें तो इमरती को पहले से फ्राई करके रख सकते हैं और इसे सर्व करने से एग्जैक्टली पहले हॉट सिरप में सोक कर दीजिए। ऐसा करने से यू विल हैव इमरती दैट इज स्टिल हॉट। तो वंस दीज अब्सॉर्ब द सिरप, इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में और तब तक मैं क्या करूंगी, तब तक थोड़ी सी इमरती और बना लूंगी। सेकेंड बैच ऑफ इमरती इज ऑल्सो डन, इनको भी सिरप में निकाल लेते हैं। इनको सोख होने देते हैं हम 3 से 4 मिनट के लिए इसी सिरप में और तब तक हमारी रबड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। क्या करना है, उसमें चीनी ऐड करके उसे थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेना है और साथ ही साथ ये सारी मलाई जो हमने उसके साइड्स पे चिपकाई है ना, उस मलाई को भी हटा करके हमें अपनी रबड़ी में मिला लेना है। कैसे, चलिए बताती हूँ। अब पहली बात तो रबड़ी में मैं ऐड करने जा रही हूँ 1/2 कप चीनी। रबड़ी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, लेकिन आप ऑफकोर्स अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से इसकी मिठास कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी चीनी आपको अच्छी लगे उतनी ऐड कीजिएगा। देखिए पकते पकते हमारा दूध भी कितना गाढ़ा हो चुका है और कितना लाल हो चुका है। अब चीनी के साथ इसे हम पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक चीनी सारी जो है वो पानी नहीं छोड़ देती और वो सारा पानी भी नहीं सूख जाता और उसी के साथ साथ हमारी रबड़ी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। अब चीनी के साथ जैसे जैसे आप इस दूध को पकाते जाएंगे ना, ये दूध और लाल होता जाएगा क्योंकि शुगर भी कैरमलाइज होती जाएगी। अब ये जो साइड में मलाई हमने लगा के रखी है ना, इस मलाई को आप ऐसे कट करना शुरू कीजिए लाइक दिस। कट करने के बाद अब इसे स्क्रेप ऑफ करके आप सारे दूध में मिलाते जाइए ऐसे। तो देखा आपने कितनी बढ़िया लाल लाल मलाईदार हमारी रबड़ी रेडी हो गई। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, ये और गाढ़ी होती जाएगी। अब इसमें एक बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं ऐड करूँगी इलायची पाउडर और इसी के साथ कुछ थोड़ा चॉप किया हुआ पिस्ता भी। मिक्स दिस इन और ये देखिए एक बढ़िया मलाईदार रबड़ी हो गई तैयार। तो रबड़ी डन, इमरती डन, अब इन्हें इकट्ठे प्लेट कर लेते हैं और इन्जॉय करते हैं अपना स्पेशल वाला कॉम्बो
जो पूरे हिंदुस्तान की पसंद है और वो है इमरती और रबड़ी। गार्निश करेंगे इसे थोड़े से और पिस्ताशियों के साथ। और अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो भाई इसमें थोड़ा सा वर्क लगाइएगा, इसे और चमकाइएगा और इमरती रबड़ी के क्लासिक कॉम्बिनेशन को एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने इसे घर में बनाया तो आपके फैमिली मेम्बर्स को ये कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा प्लीज़।